हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्यूटी इनफाइनाइट। तो आज मैं आप सबसे हिंदी में बात करूंगी। मैंने बंगाली और इंग्लिश में ब्लॉग किया तो मुझे लगा हिंदी में भी मुझे करनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों से मेरा एक फेवरेट वेज रेसिपी शेयर करूंगी जिसका नाम है गोविंद भोग खिचड़ी। और इसके साथ हम बैंगन और आलू के भाजी और कॉलीफ्लावर का एक सब्जी बनाएंगे। आज फ्राइडे है और फ्राइडे को मैं हमेशा वेज खाती हूँ, कोई खट्टा भी नहीं खाती क्योंकि मेरा संतोषी माँ का पूजा रहता है। तो आपका भी पूजा हो घर में, या फिर आप भोग देना चाहते हो पूजा में, या फिर आपका व्रत हो, या फिर आप ऐसे ही वेज खाना पसंद करते हो, तो ये डिश पका सकते हैं क्योंकि ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करेंगे इसको खाने में। तो सबसे पहले हम लोग खिचड़ी से स्टार्ट करेंगे। और ये जो हम खिचड़ी बनाने जा रहे हैं इसके लिए हम लोग एक स्पेशल राइस का यूज़ करेंगे जिसका नाम है गोविंद भोग राइस। तो सबसे पहले हम लोग कढ़ाई लेंगे, आप चाहे तो हंडी में भी बना सकते हैं। इसमें हम लोग 1.5 कप मूंग दाल डालेंगे और इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे जब तक ये ब्राउन ना बन जाए। किसी भी तरह का ऑयल मैंने नहीं डाला है, इसको हमेशा हिलाते रहें वरना ये जल जाएगा तो काला हो जाएगा। तो धीमे आँच में इसको हिलाते रहे जब तक ऐसे ब्राउन कलर इसमें नहीं आ जाता। जब इसमें ब्राउन कलर आ जाए इसमें आप पानी डाल दीजिए ताकि आप दाल को पका सकें अच्छे से। तब तक मैं आपको दूसरे इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ जो आपको लगेगा ये डिश बनाने के लिए। सबसे पहले आप लेंगे हरी मिर्च, क्योंकि ग्रीन चिलीज़ जो है बहुत अच्छा फ्लेवर। मैंने इसमें 10 से 12 पीस ग्रीन चिलीज़ लिए हैं, आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं, मुझे स्पाइसी पसंद है तो मैंने ज़्यादा लिया है। अभी मैं इसके लिए 7 से 8 पीस ड्राई रेड चिलीज़ लिए। फिर 3 से 4 बे लीफ या फिर तेज पत्ते लिए। फिर नमक लिए है स्वाद अनुसार, क्योंकि नमक ज़रूरी होता है कोई भी खाना बनाने के लिए। साथ में मैंने लिया है अदरक का एक बड़ा टुकड़ा जिसे मैं पेस्ट करने वाली हूँ। और पेस्ट करने के बाद ये करीबन 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है, 1 से 1.5 टेबलस्पून पेस्ट है। आप अपने खिचड़ी के अमाउंट के हिसाब से डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, ज़्यादा अदरक जाने से ये तीता हो जाएगा। फिर मैंने इसमें घी लिया है और साथ में ग्रीन पीस लिया है, ये सारे फ्रोज़न ग्रीन पीस है। तो मैं सबसे पहले ग्रीन पीस और ग्रीन चिलीज़ को दाल में डाल दूँगी क्योंकि ये पकने में काफ़ी टाइम लगता है और बाद में डालने से इसमें एक तो रॉ स्मेल आता है जो अच्छा नहीं लगता, इसके कारण से मैं पहले डाल दे रही हूँ ताकि ये दाल के साथ अच्छे से पक जाए। तो दाल हम लोगों का पक चुका है ऑलमोस्ट, तो इसीलिए मैंने इसमें जो चावल है उसको अच्छे से मिला दिया है। हमेशा दाल पकने के बाद ही चावल को डालिए, पहले चावल डालेंगे तो चावल गल जाएगा, तो इसीलिए बाद में चावल को डालिए। चावल को मैंने पहले से धो के भिगो के रखा था इसीलिए ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में। तो अभी मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून हल्दी डाल रही हूँ क्योंकि खिचड़ी का रंग बहुत अच्छा होता है, पीला रंग होता है। अगर कम हल्दी डालेंगे तो ये रंग सादा लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा भी मत डालिएगा क्योंकि इससे फिर से ये तीता बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं करीबन मेरा चावल जो है पक चुका है। तो इसके अंदर अभी मैं डालूँगी वो अदरक का पेस्ट जो मैंने पहले से रख दिया था। अदरक जो है खिचड़ी में आपका बहुत अच्छा एक अरोमा, एक फ्रेग्रेंस लेके आता है जिसके कारण इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं इसमें अदरक का पेस्ट डाल के अच्छे से इसको मिला रही हूं अभी। तो खिचड़ी ऑलमोस्ट बन चुका है, तो मैं बगल वाला गैस में सबसे पहले 1 कप के आसपास मस्टर्ड ऑयल जो है गरम कर रही हूँ। जब ये गरम हो गया मैं इसमें जो रेड चिलीज़ है वो डाली और जो तेज पत्ता है उसको डाला और मैं इसको थोड़ा सा गरम करूँगी जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं बन जाते। फिर ये जो पूरा इन्ग्रीडियंट है मैं इसको खिचड़ी के ऊपर डाल दूँगी। जब आप ये स्टेप करें तो किसी का मदद ले लें क्योंकि तेल जो है पानी के साथ मिल के छिड़कता है, तो थोड़ा दूर से करें ताकि तेल ना छिड़के। तो खिचड़ी हम लोगों का बन चुका है, इसको मैं मिलाने के बाद सारा चीज़ों को इसमें 1.5 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ क्योंकि घी से खिचड़ी में और भी अच्छा अरोमा आता है। और हम लोगों का जो खिचड़ी है ये पूरी तरह से बन चुका है, तो मैं इसको अभी उठा के साइड में रख दूँगी और बाकी जो दूसरे डिशेस है उसको प्रिपेयर करूँगी।
पहले हम लोग फ्राइड चीज़ें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दिखा देती हूँ बाकी चीज़ें बनाने के लिए हमें कौन से मसाले की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग जो है सबसे पहले जीरा पाउडर लगेगा, लाल मिर्च पाउडर लगेगा और हल्दी पाउडर लगेगा। यही तीन मसाले का हम लोग यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा कोई भी दूसरा मसाला हम मुझे नहीं चाहिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने सब्जियों को टुकड़ा करके रख दिया है, कॉलीफ्लावर को काट लिया है, बैंगन को भी काट लिया है, आलू को भी मैंने गोल गोल करके काट के पानी में भिगो के रखे, क्योंकि पानी में नहीं भिगाने से आलू जो है लाल बन जाते हैं, इसके कारण से मैंने उसको पानी में भिगो के रखा है क्लीन करने के लिए ताकि वो फ्रेश रहे। अभी मैं सबसे पहले सब्जियों में नमक और हल्दी मिलाई हूँ। मैं करीबन एक टेबल स्पून हल्दी और नमक स्वाद अनुसार मिला के उसको अच्छे से मिलाई हूँ। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करने के बाद मैं सबसे पहले बैंगन को फ्राई करूँगी। इसे धीमे आँच में फ्राई करें, ज़्यादा आँच में फ्राई करने से ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर में कच्चा रह जाएगा, तो धीमे आँच में फ्राई करें। जब ये अच्छा लाइट ऐसे ब्राउन कलर का बन जाए, डार्क ब्राउन, तो आप इसे छान के निकाल के साइड में रख दीजिए। उसी ऑयल में मैं आलू को भी फ्राई करूँगी और इसे भी धीमे आँच में पकाए, क्योंकि अदरवाइज़ आलू का भी वही होगा कि बाहर से वो जल जाएगा, अंदर में कच्चा रह जाएगा। आप इसको पकाते रहें धीमे आँच में, और जब ये बाहर से क्रिस्पी हो जाए और ब्राउन बन जाए इस तरह से, आप इसको छान के निकाल के बाहर साइड में रख दीजिए। अभी हम लोग जो पकाएंगे वो है कॉलीफ्लावर की सब्जी, और इसके लिए मैं फ्रेश ऑयल का यूज़ करूँगी, क्योंकि ये जो ऑयल है ये बहुत ज़्यादा बर्न हो चुका है, तो इसको मैं साइड में रख के फ्रेश ऑयल यूज़ करूँगी। तो ये जो कॉलीफ्लावर का सब्जी है ये बहुत पूरी तरह से वेज है, इसमें कोई ऑनियन या गार्लिक कुछ भी नहीं है, मैंने टमेटो भी नहीं डाला है, और हम लोग वही मसाले का इस्तेमाल करेंगे जो मैंने पहले दिखाया था आपको। अदरक का पेस्ट लेंगे, मैंने एक टेबलस्पून अदरक का पेस्ट लिया है। आप ज़्यादा अदरक पेस्ट मत डालिएगा वरना आपका जो डिश है वो तीता बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग कॉलीफ्लावर को हल्दी और नमक से मिला के उसको फ्राई करेंगे जब तक वो लाइट ब्राउन नहीं बन जाते। अगर आप चाहे तो आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत आलसी लग रहा था तो मैंने आलू नहीं डाला है इसमें। इसके बाद मैंने जब ये ब्राउन बन जाए मैंने इसमें गोटा जीरा डाला है ताकि इसमें जीरे का फ्लेवर आए, और साथ में मैंने जो अदरक का पेस्ट रखा था उसको भी डाल दिया है और उसको अच्छे से मिला रही हूँ ताकि अदरक का जो एक रॉ स्मेल होता है वो निकल जाए। फिर मैं इसमें ग्रीन पीस डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो टमाटर डाल सकते हैं, क्योंकि मैं शुक्रवार को खट्टा नहीं खाती तो मैंने टमाटर नहीं डाला है। टमाटर डालने से इसका टेस्ट और अच्छा होता है तो आप डाल सकते हैं। अभी मैं मसाला को एक साथ मिला रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक टेबलस्पून हल्दी, डेढ़ टेबलस्पून जीरा और एक टेबलस्पून लाल मिर्चा को पानी से मिलाया है। मैंने स्वाद अनुसार नमक भी मिला लिया है। मसाला को डालने के बाद मैं उसको अच्छे से कॉलीफ्लावर के साथ सबसे पहले मिला रही हूँ। अभी मैं इसमें थोड़ा और पानी दूंगी ताकि कॉलीफ्लावर अच्छे से बॉयल हो जाए, और अभी मैं इसमें एक टेबलस्पून घी डाल रही हूँ। घी से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि हम लोग इसमें प्याज लहसुन नहीं डाले हैं, तो घी जो है वो टेस्ट को मेकअप करता है और बहुत अच्छा इसमें एक तो फ्लेवर लेके आता है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैंने इसमें पानी डाला है और कॉलीफ्लावर को अभी मैं थोड़ा देर के लिए ढक दूंगी जब तक कि ये अच्छे से बॉयल नहीं हो जाते और पीस भी जो है अच्छे से बॉयल नहीं हो जाते। तो आप देख सकते हैं कि कॉलीफ्लावर का जो सब्जी है वो बन चुका है, क्योंकि जो ग्रेवी है वो रिड्यूस हो चुका है। अभी मैंने इसको निकाल के डिश एक अलग बाउल में रख दिया है और ये जो है हम लोग का सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो अभी मैं जाके प्लेट लगाऊंगी, और सबसे पहले मैं अपनी मम्मी का प्लेट लगाने वाली हूँ, क्योंकि वो बहुत देर से वेट करके है कि मैं खाना बनाऊंगी और उन्हें खाना है। तो प्लेट लगाने से पहले मैं कुछ पापड़ को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खिचड़ी के साथ पापड़ खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये आपका तीखा वाला पापड़ है, क्योंकि आप लोग समझ ही गए होंगे कि मुझे तीखा खाना अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैं जो तीखा वाला पापड़ मिलता है उसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, और उसको फ्राई करके मैं साइड में रख दूँगी ताकि मैं उसको खिचड़ी के साथ परोस सकूँ। और ये देख सकते हैं कितना डिलीशियस जो पापड़ है वो रेडी है। तो मैंने प्लेट लगा दिया है, उसमें खिचड़ी दिया है, बैंगन भाजी, आलू भाजी और जो कॉलीफ्लावर का सब्जी मैंने बनाया वो और पापड़ के साथ परोस दिया है। आप ऐसे परोसिए और खाना को एंजॉय कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरे रेसिपीज़ अच्छे लगते हैं और ये सीरीज़ जो मैं कुकिंग सीरीज़ जो पोस्ट करती हूँ अच्छे लगते हैं, तो इसे ज़रूर थम्स अप दीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल में ऐसे और वीडियोज़ के लिए। मैं आप लोगों से फिर से बाद में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।